तो फाइनली आज जो है दरभंगा जिला के छतवन में अमन इंग्लिश एकेडमी का इनॉग्रेशन हो गया है। ये सवाले हयात सर हैं जो कि यहाँ इंग्लिश स्पोकन का कोर्स करवाएंगे। हम इनसे बात करेंगे कि आखिर किस उद्देश्य के साथ यहाँ पर इन्होंने इंग्लिश स्पोकन कोर्स की शुरुआत यहाँ पर इन्होंने किया है। सबसे पहले सर हमारे चैनल पर अपना जी सर स्वागत है सर आपका, वेलकम है सर। अच्छा आपने क्यों आखिर छतवन को ही चुना कि यहाँ हमें इंग्लिश स्पोकन जैसा कोर्स यहाँ शुरू करना? देखिए पहली चीज़ है कि छतवन एक ऐसा जगह है जहाँ पे बहुत सारे गांव हैं और बहुत सारे गांव में बहुत सारी आबादियाँ भी होती हैं। अगर आप पॉपुलेशन की बात करें, अगर आप देखते हैं तो बहुत सारे बच्चे हैं जो इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं। नो डाउट कि वो अच्छी पढ़ाई करते हैं, लोग 10th तक काफ़ी 12th तक काफ़ी अच्छी पढ़ाई करते हैं, बट दिक्कत कब आती है जब हमें इंग्लिश बोलने नहीं आता। जब बच्चे 10th पास करके 12th पास करके बड़ी सिटीज़ में जाते हैं, 12th पास करके जो दिल्ली मुंबई में जाते हैं, वहाँ पे वो जो लैंग्वेज जो बैरियर होता है सर उनकी ज़िंदगी में, तो उसी चीज़ को हम दूर करने के लिए ये हमारा अमन इंग्लिश अकेडमी यहाँ पर आया है। और मैं दावे के साथ, मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ मैं कहता हूँ कि ये एक ऐसी अकेडमी है जो सबसे आपको सबसे स्पेशल सबसे ख़ास बनाती है। ये अकेडमी सिर्फ स्पोकन इंग्लिश के लिए ही नहीं है, आपकी पूरी ऑलराउंड डेवलपमेंट, चाहे वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो जाए, चाहे वो हम लोग पब्लिक स्पीकिंग हो जाए, हम लोग पूरी तरह से आपको चेंज करेंगे। और ये मैं आश्वासन देता हूँ। दूसरी चीज़ है कि हमें सर उतना कोई बताने की ज़रूरत नहीं कि सर हम अच्छा कर सकते हैं। सर अगर आप हमें यूट्यूब पर देखते हैं, अमन इंग्लिश अकेडमी आप यूट्यूब पर लिखते हैं, वहाँ पर देखते हैं हमने सारी चीज़ें हमने करके दिखाई है सर, तो हमें कोई मतलब बताने की जरूरत नहीं, हमने अच्छा किया है सर। ये स्पेशली किस क्लास के बच्चों के लिए रहेगा? चूँकि अगर देखें तो 10th के बाद 11th और 12th में ज़्यादा बच्चे इंग्लिश पढ़ने के शौकीन होते हैं और उन्हें छतवन की बात करें, लोआम की बात करें, तो इस एरिए से बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको दरभंगा जाना पड़ता है। ये बहुत अच्छी सोच है आपकी कि आपने गांव जैसे एरिया में इतने बड़े कोर्स की शुरुआत किया है। तो कौन कौन बच्चे आपके पास आएंगे 11th 12th के अलावा? और देखिए ये लैंग्वेज एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें अगर बच्चा अगर 7-8 साल 9 साल का भी हो या अगर कोई 40-45 साल के भी हो, तो सब लोगों के लिए होता है सर ये लैंग्वेज आपका। हाँ सब लोगों के लिए होता है। और हमने आपने कहा कि दरभंगा में क्यों नहीं गए या दरभंगा में लोग मतलब दरभंगा जाते हैं, तो देखिए दरभंगा यहाँ से बहुत दूर है और दूसरी चीज़ें यहाँ के बच्चों को बहुत दिक्कत आती है, तो उसी चीज़ को दरभंगा में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे कोचिंग्स हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना हमारा जो छतवन है बहुत सारे लोग चाहते हैं इसकी प्लानिंग, लोग इनफैक्ट लोगों ने स्टार्ट भी किया, लेकिन वो जो पुराने टेक्निक्स जो मैथड्स होते थे उसके बदौलत वो लोग काफ़ी मतलब हम लोगों को वो क्या बोलते हैं उसे कि वो लैंग्वेज नहीं सिखा पाए। तो हम लोग एक बिल्कुल नए मैथड्स के साथ आए हैं और ये एकेडमी बिल्कुल सबसे अलग एकेडमी होगी। स्पोकन इंग्लिश आपको बहुत कम समय में सिखाया जाएगा सर। जी बिल्कुल बहुत कम समय। कितना समय लगेगा अगर पूरी अच्छे तरीके से सीखना है, पूरा सीखना है, तो कितना समय लग जाएगा, कोर्स ड्यूरेशन क्या होगा? देखिए लैंग्वेज के लिए तो ये डिपेंड करता है कि बच्चा कैसा है। अगर आप बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं तो कोई बहुत जल्दी सीख जाते हैं, किसी को थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि 6 मंथ्स बहुत मेरे लिए काफ़ी है, क्योंकि इसी 6 मंथ्स में हमने काफ़ी बच्चों को अच्छा किया है, उनकी इंग्लिश अच्छी की है। फीस भी कहीं ना कहीं मैटर करता है, क्योंकि जो गार्जियन होते हैं, बच्चे तो पढ़ना चाहते हैं, गार्जियन पढ़ाना भी चाहते हैं, फीस कहीं ना कहीं जो है से बाधा बन जाती है। क्या फी रहेगा पूरे कोर्स का ये बताइए। हम लोग सर फीस बहुत अफोर्डेबल फीस रखें हैं, ये बहुत हम लोग 399 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। 399 हमारा फीस है, जो अगर कोई मंथली वाइज पढ़ना चाहेंगे तो हर महीने वो 399 वो हमारा लगेगा। और वो है कि अगर कोई पैकेज के हिसाब से देना चाहे, जैसे वो 6 महीने का होता है, तो उसमें हम लोग 2000 ले रहे हैं सर। बिल्कुल है, बहुत अफोर्डेबल फीस है सर। हम चूँकि ग्रामीण इलाका है, हम चाहते हैं कि यहाँ पे मंथली कितना था सर? 400 रुपये सर। और पूरे कोर्स का मतलब? और पूरे कोर्स का सर 2400 होता है, लेकिन हम लोग सिर्फ 400 रुपये का डिस्काउंट। हाँ सर 400 रुपये का डिस्काउंट देंगे सर। बिल्कुल बहुत सारे स्टूडेंट इस वक्त आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, क्या उनको मैसेज? सर मैसेज यही है कि आप आइए। देखिए इंग्लिश बहुत ज़रूरी है, मुझे कोई बताने की ज़रूरत नहीं है, लोगों को मालूम है, बस वही है कि लोग अच्छी तरह से कर नहीं रहे थे और कोई उन्हें एक अच्छा टीचर नहीं मिल रहा था, तो हम लोग आए हैं और बिल्कुल हमारे पास आइए और हम बिल्कुल बहुत कम समय में आपको इंग्लिश बोलना सिखा देंगे। पूरी ईमानदारी के साथ आप यहाँ क्लास कराएंगे बच्चों को? हाँ सर बिल्कुल, मतलब आप ईमानदारी क्या है सर, मतलब आप हमारा काम देखिए सर, यूट्यूब पे जाइए अमन इंग्लिश एकेडमी आप देखें। फैकल्टी रहेंगे या स्पेशली सिर्फ आप रहेंगे? सर फिलहाल तो अभी मैं ही हूँ। अच्छा, सर फिलहाल अभी मैं जी। आपने अमन एकेडमी से पढ़ाई किया है? हाँ सर बहुत, जी सर बहुत पहले मतलब हम लोग अमन एकेडमी में थे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अभी मैं वहाँ पे एज एन इंग्लिश लैंग्वेज स्टूडेंट हूँ जी। तो कहीं ना कहीं अमन एकेडमी जो लोआम में है वो इस एरिया का कहें तो सबसे बेस्ट स्कूल में से एक माना जाता है। और अमन एकेडमी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं सलमान सर, ये एज अ चीफ गेस्ट यहाँ पर आए हुए हैं, इनसे भी हम 2 मिनट बात करने की कोशिश करेंगे। आपके ये स्टूडेंट रहे हैं पहले और इतना बड़ा अचीवमेंट पाकर जो है से आपको आज कैसा फील हो रहा है?
बहुत खुशी हो रही है एज अ टीचर। और हम क्या चाहेंगे कि हम लोग इस एक बच्चा क्या इस तरह हज़ारों बच्चे निकले कि जो हम पे एक ठप्पा लग गया कि हमारा अंडर डेवलप्ड स्टेट है, बहुत ही गरीब स्टेट है, उससे हम लोग उस चीज़ को ओवरकम कर सकें। हम आशा करते हैं सरकार से कि वो इंडस्ट्री यहाँ पे लगाए, लेकिन वो तो इंडस्ट्री रातों रात लग नहीं सकती है। पर इस तरह के अच्छे इंस्टीट्यूट्स खोल के हम लोग जो है हर इंसान को उस लायक बना देंगे कि वो खुद भी एक इंडस्ट्री अपने आप में हो जाएगी। तो इस तरह यही विजन था हम लोग का शुरू से, और आज जब ऐसे बच्चे निकल रहे हैं और लाइफ में सक्सेसफुल हो रहे हैं तो खुशी तो हो ही रही है, जैसा मैंने पहले ही बताया कि बहुत गर्व भी हो रहा है, बहुत फख्र महसूस कर रहे हैं। तो क्या कहेंगे सर हमारे चैनल के माध्यम से जो स्टूडेंट इंग्लिश स्पोकन में इंटरेस्ट रखते हैं, इंग्लिश सीखना चाहते हैं और बेटर बहुत ही अच्छे ढंग से सीखना चाहते हैं, उन बच्चों को क्या पैगाम? इंग्लिश एज अ लैंग्वेज जो है उसको सीखने का जो पुराना तरीका है उसको छोड़िए, नए तरीके को अपनाइए। जहाँ वो नया तरीका अवेलेबल है, यूनिक तरीका, अनूठा, वहाँ पे पहुँचिए, सही जगह पहुँचिए और सीख के अपनी पर्सनालिटी पे निखार लाइए, कॉन्फिडेंस अपने आप में बिल्ड कीजिए और दो तीन स्किल्स हैं उसको हासिल कीजिए। एक तो पब्लिक स्पीकिंग का स्किल कि 10 लोग, 15 लोग, 1000 लोग बैठे हैं तब भी आप बोल लें इंग्लिश में। दूसरा स्किल जो है कि इंटरव्यू में 1-on-1 जब क्वेश्चन होता है तो वो इंटरव्यू में क्रैक करना आप सीखें। तो इससे होगा क्या कि आपको करियर के और भी रास्ते खुलेंगे। आज जो है हम अपना करियर बहुत लिमिटेड कर दिए कुछ खास जगहों पे, बहुत सारे करियर के ऑप्शन ऐसे हैं जो इंग्लिश अगर हम बोलना ढंग से सीख जाएं तो वो करियर ऑप्शंस अच्छे वाले खुल जाएंगे। ये UPSC BPSC तो ठीक है अपनी जगह है ही, एक जो बहुत अच्छा ऑप्शन है सारे बच्चों के पास जो अगर ग्रेजुएशन करके बच्चे MBA कर ले अच्छे कॉलेजेस से और थोड़ा सा भी उनमें कॉन्फिडेंस हो, अच्छी पर्सनालिटी हो, अच्छी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल हो जाएगी तो उनका पैकेज, ये सारी चीज़ें, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, क्वालिटी ऑफ लाइफ सब अच्छी हो जाएगी। मेरा नाम इरशाद हुआ, मैं खरुआ पंचायत का पूर्व मुखिया हूँ। मुखिया रह चुके हैं। ये बताइए कि गाँव एरिए में इंग्लिश स्पोकन कोर्स की शुरुआत की जा रही है सालेह हयात के द्वारा, तो क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है कि गाँव के बच्चे भी अब इंग्लिश जो है आसानी से सीख पाएंगे? मैं सबसे पहले इस पॉजिटिव कदम के लिए सालेह हयात को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। और जो इनकी सोच है, समाज को एजुकेशन देने से अच्छी कुछ सोच नहीं हो सकती। आप किसी को कुछ दे दें वो मैटर नहीं करता है, लेकिन आप अगर समाज को अच्छा एजुकेशन दे रहे हैं और समाज के बारे में सोच रहे हैं कि हमारा समाज अच्छा एजुकेशन हासिल करे, तो दुनिया में इससे बड़ी बात नहीं, इससे अच्छी सोच नहीं हो सकती। सर मेरा नाम साकिब नज़र, खरुआ से हुए हम, जहाँ से सालेह हयात सर हैं आपके, अमन एकेडमी के, अमन इंग्लिश एकेडमी के जो भी है, जो प्रोपराइटर हैं सालेह हयात, मैं उसी गांव से बिलोंग करता हूँ, खड़ुआ मेरा घर हुआ। ऐसा लग रहा है छतमन जैसे गांव में इंग्लिश स्पोकन की शुरुआत हो रही है, आप लोग कैसे देखते हैं? मैं काफ़ी खुश हूँ इससे, ये मेरे गांव का खड़ुआ का बच्चा है, जो खड़ुआ में एक एजुकेशन सिस्टम तो अच्छा है काफ़ी, लेकिन इसके द्वारा जो मैं देख रहा हूँ वो नई तरीके से एजुकेशन सिस्टम को आगे बढ़ा रहा है, इससे मैं काफ़ी खुश हूँ। और इसका एक विज़न है, सालेह हयात को मैंने काफ़ी स्ट्रगल करते हुए देखा है, मैं उसको बचपन से जानता हूँ, स्ट्रगल करते हुए देखा है, इस मुकाम पर पहुँचा, उसके लिए खड़ुआ के काफ़ी लोग बहुत खुश हैं उनको लेकर के। हमारे यहाँ एक कमेटी चलती है, खादिम मिल्लत एजुकेशनल वेलफेयर ट्रस्ट एकेडमी चलती है, उनके तमाम मेंबर जो है ऐसे लोगों को प्रमोट करते हैं, हमारी कमेटी ऐसे ही लोगों को प्रमोट करती है, हम लोग प्रमोट करने के लिए आए हैं इसको और ये काफ़ी खुश हुआ हम लोग। और इसका एक विज़न है कि जो दरभंगा ग्रामीण के जो भी लोग हैं जो इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हैं सही से नहीं बोल पा रहे हैं, उनको काफ़ी दिक्कत हो पा रहा है, जो कम्युनिकेशन स्किल नहीं है उनके पास, कोई भी नहीं, बाहर जाने पर काफ़ी प्रॉब्लम होती है। मैं अपनी बात करता हूँ, मैं भी यहाँ से उठ के गया था हैदराबाद इंजीनियरिंग करने के लिए, वहाँ पर मुझे भी काफ़ी दिक्कत आया था ऐसे ही इंग्लिश का, तो मैं देख पा रहा हूँ कि ऐसे जो कर रहे हैं, जो सालेह हयात जो कर रहा है, इससे मैं काफ़ी खुश हूँ। इसका एक विज़न है कि दरभंगा ग्रामीण के जितने भी लोग हैं वहाँ तक मैं इंग्लिश स्पीकिंग पहुँचा दूँ, अपने माध्यम से पहुँचा दूँ। इसके लिए मैं सालेह हयात को जो कंग्रेचुलेट करता हूँ कि उसने छतमन के मार्केट में खोला, यहाँ पर दरभंगा ग्रामीण के जो भी लोग हैं उनको काफ़ी अच्छा सुविधा मिलेगी इंग्लिश सीखने के लिए, काफ़ी सुविधा मिलेगी। थैंक यू।